नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। परिजनों ने बुजुर्ग को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का किया प्रयास। घटना को अंजाम देकर परिजन मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। मोहम्मद आरिफ को उनके ही परिजनों ने जिंदा जलाने की कोशिश। मोहम्मद आरिफ ने अपने ही पुत्र और पत्नी पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में उपचार हेतु कराया गया है भर्ती। पूरा मामला थाना वजीरगंज के क्षेत्र के गांव हतरा का है। इंडिया पावर न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। यहाँ एक पुत्र को ऊपर आरोप लग रहा है कि ये जलाने का, तो ये क्या पूर्ण है? देखिए, ग्राम हथरा वजीरगंज का एक मामला है जिसमें पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति है मोहम्मद आरिफ, इन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली है। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो परिजन नहीं मिले और इनको तत्काल अस्पताल लाया गया। वहाँ ये उपचाराधीन है और इनके द्वारा अपने ही परिजनों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनको पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई है और इस संबंध में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत कराते हुए तो निष्पक्ष कार्रवाई है वो की जाएगी। इन्होंने अपने जो बता रहे हैं इस पर जो मजरूब हैं मोहम्मद आरिफ, उनका कहना है कि इनके परिजन में इनके पुत्र पुत्री दामाद ये सभी को उसमें बता रहे हैं, इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है।